राज्य उत्पादन शुल्क की ओर से मंगलवार को इमामवाड़ा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे हाथ भट्टी शराब अड्डे पर छापा मार कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग को गुप्त जानकारी मिली थी कि इमामवाड़ा थाना क्षेत्र के रमेश देशमुख के घर पर अवैध रूप से हाथ भट्टी शराब की निर्मित एवं बिक्री होती है। इसी जानकारी पर विभाग की ओर से मंगलवार को देशमुख के घर पर छापा मारा गया। वहाँ रमेश देशमुख, नीलेश देशमुख और गोपाल कछुआ घटनास्थल पर मौजूद थे। विभाग ने इन तीनों पर मामला दर्ज कर 50 लीटर शराब जब्त की है। तीन इसम तिथे मोका स्थळावर ते भेटून आले आणि त्यांच्या ताबे कब्जातून आम्ही 50 लीटर हातभट्टी, मोहादारू तसेच इतर साहित्य असा एकूण आम्ही 3270 रुपयाचा मुद्देमाल त्यांच्या ताबे कब्जातून जप्त केला। श्री कांतीलाल उमाप साहेब यांच्या आदेशानुसार त्यांच्यावरती भारतीय दंडसंहिता कलम 328 नुसार कारवाई केली आणि त्यांना माननीय प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी नागपूर यांच्या न्यायालयात पुढील तपासकामी एक्साइज कस्टडी रिमांड मिळण्याकरता समक्ष हजर केले असता माननीय न्यायालयाने तिन्ही आरोपींना जामीन अर्ज फेटाळून जेल रिमांड मंजूर केल्याने सदर आरोपींना मध्यवर्ती कारागृह वर्धा रोड नागपूर येथे दबंगी करण्यात आली। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।